ये कटिहार नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स की करतूत है। मनमानी करने पर टीचरों को डांटना महंगा पड़ गया है, जिससे नाराज होकर छात्रों ने शिक्षकों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इस घटना में कई बाइक जलकर राख हो गई है। इस टॉप स्कूल में छात्रों की अनुशासनहीनता अब सुर्खियां बटोरने लगी है। बताया जा रहा है कि 11वीं के छात्र ऋतिक कुमार यादव ने अपने साथी बबलू कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ मिलकर बाइक में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया है। घटना के पीछे की वजह बस यही है कि अनुशासन तोड़ने पर डांट लगी थी। विद्यालय प्रशासन ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी है। पुलिस तीनों आरोपी छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रात करीब 1:30 बजे जी, एक दो बच्चे ने आकर के हमारे पीजीटी हिस्ट्री प्रमोद कुमार और पीजीटी इकोनॉमिक्स के बाइक में आग लगा दी। हम तो सोए हुए थे जी। सर, घटना का कारण का पता चला आपको, क्यों लगाया? कारण पता चला कि उसमें से एक बच्चा जो था ऋतिक यादव जी, वो अनऑथराइज्ड यहाँ से छुट्टी में गया था बिना बोले भाग के जी, और आया भी तो कोई एंट्री नहीं लिया जी, और किसी गार्जियन के एस्कॉर्ट के साथ नहीं आया जी। इसी पर हाउस मास्टर ने उससे पूछा कि तुम कैसे आए, किसके साथ आए, और हमें कोई सूचना नहीं दी। जो हम लोग का ड्यूटी है जी, कि जब भी बच्चे जाते हैं तो किसी गार्जियन के साथ जाते हैं, और जब आते हैं तो गार्जियन साथ में आते हैं पहुँचाने के लिए। ये नवोदय का नियम है जी। उसी में जो और एक अलग से भी बच्चा आ गया जी, वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है? नहीं जी, धर्मेंद्र कुमार नाम है उसका जी। वो तो स्कूल का स्टूडेंट ही नहीं है जी, यहाँ का। अब कहीं और नवोदय का हो या उसका कोई रिलेटिव हो, या हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं जी, पता कर रहे हैं जी। कुछ बच्चों से पूछने पता चला है कि वो पूर्णिया नवोदय का गढ़वनीली का स्टूडेंट है जी। तो घटना का कारण क्या है सर? कुछ घटना का कारण मुख्य कारण यही होता है कि आक्रोश में जो क्यों हमको पूछा गया, क्यों हमको बोला गया, क्यों हमारे गार्जियन को खबर किया गया जी। आजकल के बच्चे जो है इस उम्र के थोड़ा। तो सर, उस बच्चे, उस तीनों बच्चे ने मिलकर किस घटना को अंजाम दिया है? आपके नवोदय विद्यालय वही मोटरसाइकिल को जला दिया। किनके किनके मोटरसाइकिल में आग लगी है? प्रमोद कुमार पीजीटी हिस्ट्री जी, और दीपक कुमार दिनकर पीजीटी इकोनॉमिक्स। सर, घटना होने के बाद आपने क्या किया? सर, जैसे ही हमें पता चला तो हम घटनास्थल पर गए, जहाँ देखे आग बुझ चुका था जी, बच्चों और शिक्षकों के प्रयास से जी। तो हमने पुलिस को सूचना दी, कलासी आउटपोस्ट के जो प्रभारी हैं जी, टूडू साहब जी सर, वो थोड़ी देर में आ गए, 5-10 मिनट में जी, और उन बच्चों को ले गए अपने साथ पूछताछ करने के लिए, और रखे हैं, गार्जियन को बुलाए हैं। और अब हम लोग भी जो रात भर जगे थे, अब हम लोग कार्रवाई करेंगे, जिलाधिकारी और एसपी महोदय को इसकी सूचना देंगे लिखित।